अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज मोहसिन गौहर, वेलकम टू अवर चैनल गौहरपोज रिएक्शंस, एंड दिस इज अनस मलिक, वेलकम टू अवर चैनल गौहरपोज रिएक्शन अगेन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। उसका टाइटल है दिल्ली सिटी दी कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया व्यूज एंड फैक्ट्स। तो आज की वीडियो में हम दिल्ली सिटी को देखने जा रहे हैं। दिल्ली जो कि इनके एक कह लें कि दारुल हुकूमत है, जिसको इंडियन जबान में राजधानी बोलते हैं, तो राजधानी है इंडिया की, उसको देखेंगे हम। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं फ़ौरन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की नई नई वीडियोस हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलती रहें। तो बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। और लाइक्स का जो टारगेट हमारा है 12 लाइक्स, तो 12 लाइक्स का टारगेट है वीडियो का, ज़्यादा नहीं हम रखते, तो लाइक्स करना आप नई वीडियो को। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो 1 2 3 हियर वी गो। दिल्ली द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, देश का राजधानी, देश का धड़कन, देश का ताकत, देश का शान है दिल्ली शहर। दिल्ली जिसे कहा जाता है दिलबालों का शहर, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले लोग दिलदार होते हैं। इतिहास के युग से लेकर आज तक ये शहर तेजी के साथ बदलता गया और आज दुनिया में एक डेवलप मेट्रोपोलिटन सिटी के तौर पर सामने आया है। इंडिया के टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज के लिस्ट में दिल्ली शामिल है। एरिया के लिहाज से दिल्ली इंडिया का सबसे बड़ा शहर है और इकोनॉमिकली सेकेंड रैंक पर है आफ्टर मुंबई। इस शहर में मंदिर मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चार्च है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, इंडिया गेट है, राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री निवास स्थल है, पार्लियामेंट है, जंतर मंतर है, वर्ल्ड क्लास मेट्रो है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, सिग्नेचर बीच है। और सबसे बड़ी बात, इस शहर में दिलदार लोग रहते हैं, जो दिल्ली शहर को बनाता है दिलबालों का शहर। आइए मेरे साथ वर्चुअल एक्सप्लोर करते देश की शान, देश की राजधानी, दिलबालों का शहर, दिलदारों का शहर, दिल्ली शहर को। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सके। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नदी के किनारे दिल्ली शहर बसा हुआ है। दिल्ली इसकी ऑफिशियल नाम है नेशनल कैपिटल टेरिटोरी, इन शॉर्ट NCT। दिल्ली 1484 किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो दिल्ली में 2 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, जो इसे बनाता है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। 1911 में यूनाइटेड किंगडम ने भारत का राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली को ब्रिटिश भारत का राजधानी बना दिया। तब से आज तक दिल्ली भारत का राजधानी बना हुआ है। और क्या आपको पता है, दिल्ली न सिर्फ भारत का बल्कि वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। दिल्ली शहर को अगर हम करीब से देखें तो ये दोनों शहर दोनों तरफ से बटा हुआ है, एक ही पुराना दिल्ली और दूसरा है न्यू दिल्ली। टेक्निकली 2 डिफरेंट प्लेसेस। पुराने दिल्ली में जहाँ पे ब्रिटिश आर्किटेक्चर, हिस्टोरिकल प्लेसेस, मोनुमेंट्स, फोर्ट, किला, पुराने बाजार मौजूद है, वही न्यू दिल्ली में मॉडर्न आर्किटेक्चर, गगनचुम्बी इमारतें, नई नई ब्रिजेस, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, स्टेशन, स्ट्रीट, गवर्नमेंट बिल्डिंग बना हुआ है, जो न्यू दिल्ली को बनाता है इंडिया का वन ऑफ द डेवलप मेट्रो सिटी। दिल्ली के ईस्ट में उत्तर प्रदेश बॉर्डर, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ हरियाणा बॉर्डर से घिरा हुआ है। और इन एरिया को लेकर दिल्ली NCR का गठन किया गया है, जिसका पूरा नाम है दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली इंडिया का एक लीडिंग कमर्शियल सेंटर भी है, बीइंग द कैपिटल ऑफ द कंट्री। दिल्ली इंडिया का ट्रेडिंग कमर्शियल सेंटर है नॉर्थर्न पार्ट का, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स दोनों ही होती है। दिल्ली के अंदर IT एंड सॉफ्टवेयर कंपनी, मीडिया हाउस, टूरिज्म सेक्टर, कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड कई सारे इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी की हेडक्वार्टर दिल्ली में ही मौजूद है, जिससे दिल्ली शहर की इकोनॉमी को बूस्ट मिलती है। इसके साथ साथ दिल्ली में रिटेल इंडस्ट्रीज बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। अगर हम दिल्ली के GDP की तरफ देखें तो 170 बिलियन के साथ देश में सेकेंड रैंक पर है। दिल्ली में लार्ज कस्टमर मार्केट है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। और पिछले कई सालों में दिल्ली के पॉपुलेशन भी बहुत ही तेजी के साथ बढ़ा है। इकोनॉमी बूस्ट के पीछे पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आपको पता है, दिल्ली में ही मौजूद एशिया का सबसे बड़ा मसाला मार्केट। जी हाँ, दिल्ली के खारी बावड़ी मार्केट एशिया का लार्जेस्ट मसाला मार्केट है। 17वीं सेंचुरी में इस मसाला मार्केट को बसाया गया था। दिल्ली के फतेहपुर मस्जिद के पास ये मार्केट बसा हुआ है। यहाँ पे हर टाइप का मसाला आपको मिल जाएगा और ये सारे मसाला मिक्स होकर एक अलग ही स्मेल आती है, जो आपको यहाँ पे आते ही पता चल जाएगा। देश में सबसे ज्यादा CNG पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट दिल्ली में ही चलती है। दिल्ली के अंदर पब्लिक बसेस एंड ऑटो CNG गैस पर ही चलती है। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से ये मैंडेटरी किया गया है, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा है और पॉल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये सारे स्टेप लिया गया है। दिल्ली को कहा जाता है दिलबालों का शहर, दिलदारों का शहर। इसके पीछे कारण भी है, दिल्ली में रहने वाले लोग मजा करने में सबसे आगे हैं। भले ही मजा करने में कितने पैसे निकल जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन एंटरटेनमेंट भरपूर होना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली के लोग खाने से लेकर पहनने तक, पार्टी करने से लेकर एंजॉय करने तक, मदद करने से लेकर मेहमान नवाजी तक रॉयल लाइफ बिताते हैं। दिल्ली के लोग ग्रैंड तरीके से करते हैं, मेहमान नवाजी दिल्ली के लोग दिलदार तरीके से करते हैं, और शायद इसीलिए दिल्ली को दिलबालों का शहर, दिलदारों का शहर कहा जाता है।
अगर बात करें दिल्ली मेट्रो की, तो दिल्ली मेट्रो इंडिया का शान है, क्योंकि देश में जितनी भी मेट्रो चलती है उसमें सिर्फ दिल्ली एंड इसके आसपास में वर्ल्ड क्लास मेट्रो है। पूरा का पूरा दिल्ली शहर मेट्रो से वेल कनेक्टेड है, जो शहर के हर जगह से जुड़ा हुआ है। करेंटली दिल्ली मेट्रो में 398 किलोमीटर का नेटवर्क है। और क्या आपको पता है दिल्ली में कितने सारे मेट्रो स्टेशन अवेलेबल है? अगर आज के समय की बात करें तो करेंटली दिल्ली के अंदर 285 मेट्रो स्टेशन मौजूद है, जहां से रोजाना 1.5 मिलियन पैसेंजर दिल्ली मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। इसलिए दिल्ली मेट्रो को दिल्ली शहर का लाइफलाइन भी कहा जाता है, और सिर्फ दिल्ली के अंदर ही वर्ल्ड क्लास मेट्रो चलती है। इसके अलावा दिल्ली एंड इसके आसपास मतलब गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद से भी डायरेक्ट रैपिड मेट्रो सिस्टम बना हुआ है। और आप लोगों को बता दूं, दिल्ली में अभी केसरी रूट पर मेट्रो का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें दिल्ली एयर ट्रेन एंड एयरपोर्ट मेट्रो भी शामिल है। दोस्तों, हम दिल्ली शहर के बारे में बात कर रहे हैं, और खाने पीने की बात ना करें तो बात हजम ही नहीं होगा। दिल्ली के लोग खाने के बड़े दीवाने होते हैं। दिल्ली के हर गली में, हर एक चौक में अलग अलग टाइप का स्ट्रीट फूड सबको मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली पे आएंगे तो कंफ्यूज्ड जरूर हो जाएंगे खाने कि कौन डिश को छोड़कर दिल्ली के अंदर कैसा स्ट्रीट फूड कई तरह के वैरायटीज मिलता है। बट मोस्टली दिल्ली के लोग जो खाते हैं कई तरह के कबाब, कई तरह के वैरायटी ऑफ बिरयानी, मक्खन मर के तड़का, छोले भटूरे, पूरी आलू, वैरायटी ऑफ रोज, आलू चाट, केसर पिस्ता कुल्फी, जलेबी, चिकन लाजवाब, मोमोज, गोलगप्पे और भी काफी कुछ, जो बताते बताते खत्म नहीं होगा। एक बात तो है कि दिल्ली के रहने वाले लोग खाने के मामले में बहुत ही पैशनेट है। दिल्ली के मसाला मार्केट के बारे में तो आपने सुना है, लेकिन क्या आपको पता है दिल्ली में ही मौजूद एशिया का लार्जेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट, दिल्ली के आजादपुर मार्केट, जो 80 एकड़ लैंड के ऊपर बसा हुआ है, ये एशिया का लार्जेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट है। दोस्तों, एज वी ऑलरेडी नो, दिल्ली शहर एक हिस्टोरिकल सिटी है, और यहाँ पे कई सारे फोर्ट, मोनूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग विजिट करते हैं। इन सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस के वजह से दिल्ली शहर को एक अलग ही पहचान मिलता है। दिल्ली में ही मौजूद है दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार, नोन एज कुतुब मीनार। सन 1200 में इस मीनार को बनाने का काम शुरू हुआ था दिल्ली के सुल्तान द्वारा। इसे एक विक्टोरी टावर के तौर पर बनाया गया था, और आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस मीनार की हाइट है 72.5 मीटर, और ये दुनिया का टॉलेस्ट टावर है जो पत्थर से बना हुआ है। दिल्ली में ही मौजूद है द फेमस रेड फोर्ट लाल किला, मुगल सल्तनत का मेन रेसिडेंस था लाल किला। यहाँ से ही पूरे हिंदुस्तान को शासन किया जाता था। साल 1639 में इसे बनाने का काम शुरू हुआ था, और लगभग 8 साल 10 महीने और 25 दिन के बाद लाल किला बनकर तैयार हो गया। इसके आर्किटेक्चर थे उस्ताद अहमद लाहौरी। लाल किले को इंडो इस्लामिक एंड मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल से बनाया गया है। दिल्ली के साथ साथ पूरी दुनिया में लाल किले की अलग परिचिति है। अभी के समय लाल किला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कंट्रोल है, एंड हर साल स्वतंत्र दिवस में देश के प्रधानमंत्री द्वारा भारत की तिरंगा को लहराया जाता है, जिसे पूरा हिंदुस्तान गर्व महसूस करता है। दिल्ली के अंदर ही मौजूद है इंडिया गेट, जिसे पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल नाम से जाना जाता था। 10 फरवरी 1921 में इसे बनाया गया था। इंडिया गेट को देश का एकता के रूप में भी देखा जाता है। दिल्ली में आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट इंडिया गेट जरूर विजिट करता है। इंडिया गेट के वजह से ही दिल्ली को अलग पहचान मिलता है। देश की राजधानी दिल्ली में ही मौजूद है द फेमस लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल को लोटस के आकार में डिजाइन करके बनाया गया है, और इसकी डिजाइन ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। 24 दिसंबर 1986 में इसे पब्लिक के लिए खोला गया था। लोटस टेम्पल की हाइट है 34.27 मीटर, एंड डायमीटर है 70 मीटर। यहाँ पे एक साथ 2500 लोग आ सकते हैं। द फेमस अक्षरधाम टेम्पल भी दिल्ली में ही मौजूद है। अक्षरधाम टेम्पल की आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बहुत ही यूनिक है। कई एकड़ लैंड के ऊपर ये टेम्पल बना हुआ है, और साल भर लाखों पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद वन ऑफ द फेमस जगह है। मुगल सल्तनत द्वारा इस मस्जिद को बनाया गया था। 1650 से लेकर 1656 के बीच करीब 1 मिलियन रुपीज से इस मस्जिद को बनाया गया था। यहाँ पे एक साथ 25,000 लोग जमा हो सकता है। दिल्ली आने वाले हजारों पर्यटक यहाँ पे विजिट करते हैं। दिल्ली के अंदर और भी काफी सारे प्लेसेस हैं, जो दिल्ली के साथ साथ पूरे इंडिया में बहुत ही फेमस है। इसमें हुमायूं टॉम्ब से लेके हौज खास तक, जंतर मंतर से लेके वंडर पार्क तक, चांदनी चौक से लेके सरोजिनी नगर मार्केट तक, पराठे वाली गली से लेके गुरुद्वारा बांग्ला साहिब तक, कोनाक प्लेस से लेके लोधी गार्डन तक, लाजपत मार्केट से लेके खान मार्केट तक, पहाड़गंज से लेके दिल्ली हाट तक, नेशनल रेल म्यूजियम से लेके राजघाट तक, लक्ष्मीनारायण टेम्पल से लेके फिरोज शाह कोटला फोर्ट तक, प्रगति मैदान से लेके निजामुद्दीन दरगाह तक, नेशनल म्यूजियम से लेके इंदिरा गांधी म्यूजियम तक, जियोलॉजिकल पार्क से लेके मेहरोली आर्कियोलॉजिकल पार्क तक, ये दिल्ली के अलग अलग वेरिएंट हैं, जो दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही खास है।
दोस्तों दिल्ली के अंदर कोना प्लेस एक बहुत ही हाई डेवलप्ड एरिया है। यहाँ पे हर एक बिल्डिंग्स, शॉप, स्ट्रीट, गार्डन सब कुछ एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ है। यहाँ पे आपको यूरोपियन कंट्री की फील आएगा। दोस्तों अगर दिल्ली की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश, लेकिन एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है पंजाबी एंड उर्दू। हालांकि ज्यादातर लोग यहाँ पे हिंदी से ही बात करते हैं, लेकिन लोगों का बोलने का जो टोन है वो बहुत ही अलग है, जो कानों में सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों दिल्ली देश का राजधानी है और यहाँ पे ज्यादातर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग मौजूद है, जो देश में दिल्ली को बनाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी। इसके साथ साथ हमारे देश के प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, होम मिनिस्टर से लेके रेल मिनिस्टर तक, सभी के रेसिडेंस दिल्ली में ही मौजूद है। दिल्ली एयरपोर्ट जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम से परिचित है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। साल भर कई मिलियन पैसेंजर दिल्ली एयरपोर्ट से डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ान भरते हैं। दोस्तों दिल्ली से दिलवालों का शहर ही नहीं बल्कि देश की धड़कन भी है। दिल्ली में आपको सारे धर्म को मानने वाले लोग मिल जाएंगे। यहाँ पे बंगाली से लेके मराठी, तमिल से लेके तेलुगु, गुजराती से लेके पंजाबी, असमी से लेके मणिपुरी, उड़िया से लेके बिहारी, राजस्थानी से लेके कश्मीरी, सभी लोग दिल्ली से रिप्रेजेंट करती है, जो दिल्ली को बनाता है देश का धड़कन। दिल्ली में इंडिया के सारे कल्चर को एक साथ मिलते हुए दिखाई देता है, जो इंडिया के ट्रू रिच कल्चर को दर्शाता है। यहाँ पे क्या दिवाली, क्या होली, क्या पोंगल, क्या ईद, क्या दुर्गा पूजा, क्या गणेश पूजा, सभी लोग खुशी से सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, जो दिल्ली को बनाता है दिलदारों का शहर। अगर दिल्ली शहर के बारे में बताने में मैं कुछ मिस कर दिया तो कमेंट पे मुझे जरूर मेंशन कर देना। आई होप आपको मेरे साथ दिल्ली शहर को वर्चुअल एक्सप्लोर करके मजा आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में देखा है कि दिल्ली सिटी जो कि काफ़ी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ शहर है, इसमें काफ़ी तारीखी चीज़ें थे, ही इमारतें हैं, कुछ हमने टेंपल्स देखे, एक बड़ी मस्जिद जो कि काफ़ी मशहूर है इंडिया में, जैसे लाहौर में है बादशाही मस्जिद जो कि मुगलों ने तमीर की थी, इसी तरह एक मस्जिद है दिल्ली में जामे मस्जिद इसको बोलते हैं, और काफ़ी स्ट्रक्चर में थोड़ी सी छोटी है उसे, लेकिन है खूबसूरत और ज़बरदस्त है और एक तारीखी इमारत है। उसके बाद में देखा है लोटस टेंपल, काफ़ी यूनिक किस्म का है, बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर मिलता है हमारे इस्लामाबाद में जो फैसल मस्जिद है, वो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है उसका, और काफ़ी वाइट स्ट्रक्चर में दोनों काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद कुछ टेंपल्स देखे जो हिस्ट्री के मतलब थे, कुतुब मीनार को दिखाया गया इसमें, और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें दिखाई गई जो कि दिल्ली को एक अच्छी कल्चरल उसकी लुक देती हैं, जो कि उसके बाद में मेट्रो देखा, मेट्रो काफ़ी ज़बरदस्त है दिल्ली की, बिल्कुल मेट्रो कमाल है उसकी, मेट्रो के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लफ्ज नहीं हमारे पास मेट्रो की क्या बात है। बाकी रोड्स को तो कहीं तो रोड भी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। इसी तरह हमारे इस्लामाबाद में भी रोड्स काफ़ी अच्छे हैं और बड़ी ज़बरदस्त ग्रीनरी भी नज़र आई हमें, और इन्जॉय किया वीडियो को हमने, और जो चीज़ें यहाँ पर नज़र आई कि लोग जहाँ पर वेज खाने ज़्यादा पसंद करते हैं इंडिया में, अभी तक जो मैंने वीडियोज़ देखी इंडिया की, और ये नॉन वेज को कम ही यूज़ करते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि शाहिद अफरीदी के जब मेरे ख्याल में इंडिया की टीम पाकिस्तान आई हुई थी, तो शाहिद अफरीदी के घर में उनका कुछ था, उनकी दावत वगैरह, तो शाहिद अफरीदी ने उनसे पूछे बगैर उनके लिए नॉन वेज खानों के लिए लगा दे खाने, जब वो खाने के लिए आए आगे तो वो पता चला था वो नॉन वेज खाते हैं तो उसके बाद उन्होंने फिर वेज खाने उनके लिए तैयार करवाए। ये एक हिस्ट्री का हिस्सा है और ये शाहिद अफरीदी खुद बताते हैं कि। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, वीडियो को लाइक करना है क्योंकि हमारा लाइक्स का टारगेट है 12 लाइक्स, और वीडियो ज़्यादा नहीं शेयर भी करना है, शेयर भी करना है, और 12 लाइक्स का टारगेट, इसको लाइक भी करना है आपने। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।